भी मतदान किया, आम जनता से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जरूर देखिए। लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई। आम जनता के साथ साथ वीआईपीज ने भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया। आपको दिखाते हैं वीआईपीज की वोटिंग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में वोट किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी ने भी मतदान किया। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन में ही विशेष पोलिंग केंद्र बनाया गया था। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने दिल्ली में निर्माण भवन के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित भी मौजूद रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ लोधी स्टेट स्थित पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के छठे फेज में दिल्ली के औरंगजेब लेन स्थित एनपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मतदान किया। केजरीवाल अपने परिवार के साथ वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली के औरंगजेब रोड पर एनपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यमुना विहार के पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मनोज तिवारी को बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पहुंचे। सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना में अपना वोट डाला। वहीं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केशव मौर्य फूलपुर में अपनी पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी मतदान किया। पोलिंग बूथ पर वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली को भी दिखाया। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर पत्नी के साथ ओल्ड राजेंद्र नगर में वोट डालने के लिए पहुंचे। गंभीर के खिलाफ आम आदमी पार्टी से आतिशी और कांग्रेस से पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली मैदान में हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। कोहली ने गुरुग्राम के एक पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो ये महासंग्राम का राउंड 6 था, इसमें कुछ अच्छी तस्वीरें भी निकली।